यूट्यूब चैनल परीक्षा शापाटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो एग्ज़ाम होगा संडे के दिन, संडे में हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है। 20 अगस्त में ये एग्ज़ाम होगा ऑल ओवर इंडिया ये एग्ज़ाम आपका होना है सीटेट। अगर जो आपका अगस्त में एग्ज़ाम होना है 20 अगस्त में, उसकी हिंदी की जो मैराथन क्लास आपकी है, स्पेशली जो क्लास अब आपकी हो रही है हिंदी की, स्पेशल मैराथन क्लास है। CDP और EVS की जो क्लास है, हम ऑलरेडी सारे पेपर अपने देख चुके हैं। अब हम अपने जो पेपर देख रहे हैं हिंदी के, हम पेपर देख रहे हैं। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता ही है 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 9 जनवरी का हिंदी का पेपर हम देख चुके हैं। आज हम जो पेपर देखेंगे 10 जनवरी से हम स्टार्टिंग करेंगे। चलिए, पहला जो पेपर आपका होगा 10 जनवरी। चलिए, आज जो पेपर है ये हमारा 10 जनवरी 2023 यानी 10 जनवरी 2023 का हम पेपर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम निर्देश आपको दिया गया है, जो पहले क्वेश्चन से लेकर 9 क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे, वो गद्यांश में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यानी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना होगा। जैसे आपको जो गद्यांश दिया गया, एक स्कूल में आर्ट के पीरियड में टीचर ने बच्चों से कार बनाने को कहा। बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई। एक बच्चे ने कार में दरवाजों के पास पंख लगा दिए और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा। टीचर ने बच्चों की ड्राइंग में बुक में बनी हुई कार को लाल पेन से काटते हुए नोट लिखा, प्लीज़ मेक अ प्रॉपर को। माँ ने बच्चे की ड्राइंग बुक देखी तो उसे फटकार लगाते हुए कहा, कार भी कई उड़ती है। अगले दिन बच्चा ड्राइंग बुक पर एक साधारण सी कार बनाकर लाया। टीचर ने उस पर सही का निशान लगाते हुए साइन कर दिया। इस सब के बीच एक मासूम सवाल जवाब की तलाश में भटक गया, क्या कारें उड़ सकती है? पहली नज़र में साधारण सा नज़र जो नज़र आने वाला यह किस्सा असल में एक हत्या की कहानी है, एक बच्चे की कल्पनाशीलता की हत्या। सोचिए, कला क्या है? चीज़ें जैसी दिखती है उन्हें वैसे ही बयान कर देना या लकीरों के जरिए कागज़ पर उतार देना ही कला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह तो डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण, चीज़ों को अपने नज़रिए के साथ पेश करना कला है। नज़रिए को शब्दों या चित्रों में उतारने के लिए कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। यानी बिना कल्पनाशीलता के आर्ट या कला संभव ही नहीं। इसे दो शब्दों के जरिए और विस्तार से समझते हैं। पहला शब्द है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यानी फोटोन, लाइट के जरिए लाइट, सेंसिटिव सरफेस पर बनने वाली तस्वीर। दूसरा शब्द है इमेज है, यह भी लाइट से बनी हुई तस्वीर ही है, पर इमेज शब्द में इमेजिनेशन भी शामिल होती है। फोटोग्राफर जब किसी तस्वीर में एंगल, रंगों और पर्सपेक्टिव के जरिए अपना इमेजिनेशन जोड़ता है तो वह इमेज बनती है। हर फोटोग्राफ इमेज हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गद्यांश के अनुसार बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, बच्चों ने कभी कारें नहीं देखी थी। ऑप्शन बी, बच्चों को रंग अच्छे लगते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना को जोड़ दी थी। ऑप्शन डी, बच्चे रंग बिरंगी कारें ही बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी जो कल्पना है उसे भी जोड़ दिया था, ऐड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बच्चे की कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है जब, ऑप्शन है, उसकी कल्पनाशीलता की सराहना हो। ऑप्शन बी, उसे टोका ना जाए। ऑप्शन सी, उसे वह बनाने दिया जाए जो वह बनाना चाहता है। ऑप्शन डी, उसके बनाए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, उसके बनाए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
कला के लिए आवश्यक है, जो कला है आर्ट है उसके लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए रंगों की पहचान, ऑप्शन बी कलाओं का ज्ञान, ऑप्शन सी कठोर अभ्यास, ऑप्शन डी कल्पनाशीलता। तो क्या ज़रूरी है? कल्पनाशीलता। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कार में दरवाजों पर पंख लगाना और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा लगाना बच्चे के किस गुण की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता, ऑप्शन सी परिश्रम, ऑप्शन डी लगन। तो किसकी ओर? कल्पनाशीलता की ओर। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है सही होगा? ऑप्शन ए प्रत्येक फोटोग्राफ इमेज होती है, ऑप्शन बी फोटोग्राफ तथा इमेज में रंगत अंतर होता है, ऑप्शन सी फोटोग्राफ और इमेज में एंगल समान होता है, ऑप्शन डी इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नज़रिए को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है, रेखांकित शब्द के स्थान पर डैश का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए आवश्यक, ऑप्शन सी अवश्य, ऑप्शन डी आवश्यकता, ऑप्शन डी जरूर। तो बताइए कौन सा वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं? तो इसमें जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम आवश्यकता यानी ज़रूरत की जगह जो वर्ड हो सकता है आपका आवश्यकता वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, आवश्यकता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगी कारें बनाई, वाक्य में विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी रंग बिरंगी, ऑप्शन सी कारें, ऑप्शन डी बनाई। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी रंग बिरंगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कल्पना का विलोम डैश है, तो कल्पना जो है उसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कल्पनाशीलता, ऑप्शन बी यथार्थ, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी यथार्थवादी। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी यथार्थ। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी यथार्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, डिफरेंट है, जो ग्रुप से डिफरेंट आपको दिखेगा? ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी कला। तो इसमें राइट आंसर क्या है इसमें? कला। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी कला जो है आर्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश आपको दिया गया काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना होगा। चलिए काव्यांश है आपका रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती झर धरती पर, रज के कण कण में तरन तरन की पुलकावली भर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। कविता में किस समय का वर्णन है, तो कौन से समय का इसमें वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए गर्मी, ऑप्शन बी सर्दी, ऑप्शन सी सावन, ऑप्शन डी बसंत। तो राइट आंसर क्या है इसमें? सावन। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी सावन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वारी की धार से तात्पर्य है, ऑप्शन ए तलवार की धार, ऑप्शन बी बारिश की सीढ़ी, ऑप्शन सी बूंदों की लड़ी, ऑप्शन डी खड़ग की धार। तो राइट आंसर क्या है? बूंदों की लड़ी। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
जीवन में सावन मन भावन से आशय है। ऑप्शन ए जीवन में खुशियाँ रहे, ऑप्शन बी जीवन में सावन रहे, ऑप्शन सी जीवन मन भावन रहे, ऑप्शन डी सावन का नाम मन भावन है। तो राइट आंसर क्या है, जीवन में खुशियाँ रहे, यानी जीवन में जो सावन है वो कैसा मन भावन से आशय है। तात्पर्य क्या है कि जीवन में खुशियाँ रहे, हैप्पीनेस रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रोम सियर उठते से आशय है। तो रोम सियर उठने से आशय इसमें पूछा गया, यानी मन का क्या होना। तो इसमें जो रोम सियर है वो उठने से जो अर्थ है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए मन का भयातुर होना, ऑप्शन बी मन का प्रफुल्लित होना, ऑप्शन सी मन का सिहर उठना, ऑप्शन डी मन का शंकाकुल होना। तो जो रोम सिहर उठते से जो आशय है वो क्या है, मन का प्रफुल्लित होना। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रज का अर्थ है, जो रज है उसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी धूल, ऑप्शन सी कंकड़, ऑप्शन डी भूमि। तो रज का अर्थ क्या है, धूल। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी धूल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, झूलता है मेरा मन में डैश अलंकार है। तो अलंकार इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी मानवीकरण, ऑप्शन डी यमक। तो राइट आंसर क्या है इसमें, मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी मानवीकरण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में ऑप्शन ए उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, ऑप्शन बी अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑप्शन सी उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन डी उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन सी उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए, जो अभ्यास एक्सरसाइज है तो नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए भाषा के साथ खेलना, ऑप्शन बी भाषा का उत्पादन, ऑप्शन सी ज्ञान का निर्माण एवं उसे साझा करना, ऑप्शन डी बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, यानी बेहतर जो प्रदर्शन है, यानी बेस्ट जो उसका प्रदर्शन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रदर्शन करना किसी चीज़ को, उसका उसकी जो भूमिका होती है रोल प्ले करने के लिए जो संवाद है उसको क्या करना, याद करना, मेमोरेबल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 अब आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो स्टेटमेंट इसमें सही होगी। ऑप्शन ए अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं, तो ये आपका गलत, यानी जो अंग्रेजी कक्षा में, यानी जो इंग्लिश की क्लास होते हैं, कौन सी क्लास, जो इंग्लिश की क्लास आपकी होती है तो उसमें जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन आते हैं, वो साफ स्लेट की तरह होते हैं। ये जो पॉइंट है आपका गलत है। ऑप्शन बी कक्षा फर्स्ट में बच्चे अंग्रेजी ही बिल्कुल भी नहीं जानते, ये भी गलत है आपका, यानी कक्षा फर्स्ट में तो बच्चे बहुत कुछ अंग्रेजी में जान जाते हैं। ऑप्शन सी बच्चे अपने अनुभवों की जो पूंजी होती है उसके साथ विद्यालय आते हैं, ये भी राइट है, यानी बच्चे जो होते हैं कुछ ना कुछ क्या, यानी तीन से दो ढाई से लेकर तीन साल का बच्चा स्कूल में बैठता है, प्राइवेट स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो ढाई से तीन का बच्चा जो होता है तो बहुत कुछ वो अपना सीख जाता है, अनुभव उसे हो जाता है बहुत सी चीज़ों को जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए आता है। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों का अनुभव उनके सीखने में सहयोग नहीं करता, ये भी गलत, शिक्षार्थी जो होते हैं उनका जो अनुभव होता है वो उन्हें बहुत हेल्प करता है सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, बच्चे अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं, यह डैश से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए भाषा अर्जन क्षमता, ऑप्शन बी भाषा अर्जित क्षमता, ऑप्शन सी सीखना अर्जन प्रेरणा, ऑप्शन डी भाषा अर्जन प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है भाषा अर्जन क्षमता, तो भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 है नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना डैश कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए शब्द संरचना, ऑप्शन बी शब्द पहचान, ऑप्शन सी स्वनिमिक जागरूकता, ऑप्शन डी पठन अवबोधन। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी स्वनिमिक जागरूकता, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनके घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशक की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का जो विकास है उसको करता है, डेवलप करता है? ऑप्शन ए त्रिभाषा सूत्र, ऑप्शन बी बहुभाषिक उपागम, ऑप्शन सी बहुश्रेणीय उपागम, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष उपागम। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी बहुभाषिक उपागम। जो उपागम होता है वो क्या होता है? मल्टी लिंगुअल आपका होता है, बहुभाषिक आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो कैसा होता है? मल्टी बहु यानी मल्टी लिंगुअल आपका होता है। कैसा होता है? मल्टी लैंग्वेज में होता है तो मल्टी लिंगुअल होगा। उपागम आपका अप्रोच भी, आप इसको बोलते हैं अप्रोच बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले तो आपका जो पढ़ना होता है यानी क्वेश्चन को ही आपको सही से क्या पूछा इसमें, जो स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है वो आपको चुननी है। तो तीन स्टेटमेंट इसमें आपको करेक्ट मिलेगी और एक स्टेटमेंट आपको गलत मिलेगी। जो स्टेटमेंट इसमें गलत होगी वही स्टेटमेंट यानी वही कथन आपका सही होगा, वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए बोलना सुनने के बाद का दूसरा चरण है, तो जो बोलना है वो किसके यानी सुनने के बाद का दूसरा चरण है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए, यानी जो लेखन यानी जो लिखने का जो स्किल है, लिखने की जो कला है उसको बोलना, जब हम बोलते हैं उसका जो स्किल है उससे पहले डेवलप करना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन सी सुनने के अभ्यास के बाद यानी जब सुनते हैं उसके अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास होना चाहिए। ऑप्शन डी भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए, यानी जो भाषा कौशल का जो अभ्यास एक्सरसाइज है वो एकीकृत रूप से होना चाहिए। तो इसमें चारों जो आपके दिए गए सारी की चार की जो स्टेटमेंट है वो सारी स्टेटमेंट क्या है आपकी सही दी गई है, सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट आपकी है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा यानी वो ऑप्शन इसमें बनी नहीं रहा जो इस पर हम राइट का टिक लगा दे, तो चारों स्टेटमेंट इसमें सही आपकी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक बच्चा द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न है, डिफरेंट होती है, इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग जो तरीके से क्या करता है बोलता है, भाषा का वो कौन सा पक्ष है जो अपनी भूमिका निभाता है या अपने जो रोल प्ले होता है वो करता है? ऑप्शन ए परिवेशीय पक्ष, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक पक्ष, ऑप्शन सी अनौपचारिक पक्ष, ऑप्शन डी सामाजिक पक्ष। तो राइट आंसर क्या है इसमें? क्वेश्चन 23 का राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी है सामाजिक पक्ष। कैसा पक्ष? जो सामाजिक हो, सोशल पक्ष आपका है। कैसा पक्ष? सोशल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट करती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। वे डैश का अनुगमन कर रही है, तो किसका अनुगमन वो कर रही है? ऑप्शन नंबर ए निगमन उपागम, ऑप्शन बी आगमन उपागम, ऑप्शन सी स्थिति परक उपागम, ऑप्शन डी संरचनात्मक उपागम। तो कौन सा उपागम वो कर रही है? निगमन का। कैसा उपागम? जो निगमन है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को डैश के अवसर उपलब्ध कराता है। तो कौन से अवसर? ऑप्शन ए देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने, ऑप्शन बी भाषा हास से उभरने, ऑप्शन सी उन वाक्यों का निर्माण करने के जो उसने पहले कभी नहीं सुने, ऑप्शन डी कक्षा कक्ष से परे जाकर सीखने। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए आकलन बच्चे की खूबियां, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है, हेल्प करता है, यानी आइडेंटिफाई करने में उसकी हेल्प करता है। ऑप्शन बी आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को, जो पॉसिबिलिटी होती है उसको इनक्रीज करता है, बढ़ाता है, और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। कैसा सहयोग? जो आधारभूत हो, जो बेस्ड हो, उसका हेल्प करता है। ऑप्शन सी आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना यानी कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, मदद करता है। ऑप्शन डी आकलन सीखने संबंधी जो रिक्तियां और सीखने संबंधी जो कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टी होती है, वो शुरुआत पहचान करने में मदद करता है। तो कठिनाइयों की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, उसकी पहचान करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है वो आपको बतानी है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन सी आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे से जब कंपैरिजन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह शिक्षार्थी को जीवन की वास्तविक जो रियलिटी जो स्थितियां है, सिचुएशन है, उनका सामना करने के लिए बढ़ावा देती है, इंक्रीज करती है। ऑप्शन बी व्रतनी एवं व्याकरणिक त्रुटियां जो एरर होता है उसको कम करने पर केंद्रित है, फोकस्ड है। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण एवं प्रमाणिक संप्रेषण क्रियाकलापों के लिए तैयार करती है। ऑप्शन डी यह लक्ष्य भाषा में अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने हेतु भाषा प्रयोग पर बल देती है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी व्रतनी जो है वो व्याकरणिक त्रुटियों जो इरर है उसको कम करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के जो चयन है, सिलेक्शन को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे, जो फैक्टर है, ए संदर्भ, बी वातावरण, सी वह व्यक्ति जिसमें हम बोल रहे हैं, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डी अभिप्रेरणा। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो जो सही इसमें आपका है, संदर्भ आपका है वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं और अभिप्रेरणा, तो ए सी डी इसमें आपको राइट होगा। ए सी डी आपको कौन से ऑप्शन में इसमें मिला है? तो ए सी डी यानी पहला, तीसरा और चौथा आपको ऑप्शन सी में मिला, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जो जिन्हें डैश ऑप्शन है प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं। ऑप्शन बी कक्षा में शामिल होने में अनियमित है। ऑप्शन सी सीखने संबंधी अक्षमता है। ऑप्शन डी लक्ष्य भाषा में निपुण है। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन है जो प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा जो समस्या का जो समस्या है जो प्रॉब्लम है उसका सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है, अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी जो दृष्टिबाधित है दिव्यांग आपका है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे। अगर आप लैंग्वेज के टीचर है तो आप उसमें क्या करोगे। ऑप्शन है बच्चे का काम करते हुए से सहयोग प्रदान करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। ऑप्शन बी पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन सी उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूह को अधिकतम अवसर देंगे। ऑप्शन डी उसके काम को पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। तो इसमें राइट क्या है, जो पाठ्य वस्तु आपकी है तो उसको सुनने और पढ़ने के लिए जो ब्रेल किताब होते हैं यानी पढ़ने के किताब क्या होते हैं ब्रेल लिपि किताब और जो श्रव्य सहायता उसमें उपलब्ध कराया जाए। चलिए अब नेक्स्ट जो पेपर है 11 जनवरी 2023 का हम पेपर करेंगे। चलिए जैसे कि आपको पता है हम हिंदी का सेक्शन कवर करें जो 30 मार्क्स का आपका होता है। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आपका आता है। हिंदी जो होता है हिंदी सेक्शन पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में आपका आता है। चलिए अब इसमें दिया गया आपका निर्देश आपको दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हजारों वर्षों से मनुष्य नदी की ओर खिंचता चला आया है, केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है बल्कि इसलिए भी कि वह हमारी आत्मा को वितृप्त करती है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। जो भारतीय संस्कृति है वो किसकी देन है, गंगा की देन है। अंत में नदी समुद्र से जा मिलती है, पानी जहाँ से चला था वापस वहीं पहुँच गया। नदी कभी ना समाप्त होने वाली एक निरंतर रचना है, एक ऐसी शक्ति जो नित्य पुनः जीवित होती रहती है। किंतु नदी एक अस्थिर मित्र है, हजारों वर्षों से वर्षा ऋतु में नदी तट के निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता था। नदी का पानी उफन पड़ता है और तटबंधों को तोड़ता हुआ गांव के गांव बहले जाता था। चलिए अब इससे क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है संस्कृति का जो जन्म है वो कहाँ होता है। ऑप्शन ए समुद्र के किनारे, ऑप्शन बी खेतों के किनारे, ऑप्शन सी नदियों के किनारे, ऑप्शन डी जंगलों के किनारे। तो जो संस्कृति है उसका जो जन्म है वो कहाँ पर यानी नदियों के किनारे आपका होता है। जो गंगा आपकी है क्या, जो भारतीय संस्कृति में जो गंगा है वो गंगा की देन है यानी भारतीय संस्कृति क्या है, गंगा की देन है। जो गंगा है उसी की देन है क्या, भारतीय संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संस्कृति डैश की देन है। तो भारतीय संस्कृति पूछा गया है किसकी देन है, अभी आपको बताया था ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी खाड़ी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंगा। तो भारतीय संस्कृति किसकी देन है, गंगा की देन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी राइट है यानी गंगा की देन है। तो संसार की जितने भी संस्कृति है वो नदियों की कोख से हुआ है। तो जन्म किससे हुआ है, नदियों की कोख से हुआ है। किसका, जो वर्ल्ड है जो संसार आपका है क्या है, जो वर्ल्ड है संसार है उनकी जो सभी संस्कृति है। तो सभी संस्कृति का जो जन्म हुआ है वो यो हुआ है आपका नदियों की कोख से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नदी को अस्थिर मित्र
क्यों कहा गया है? जो नदी है उसको अस्थिर मित्र या फ्रेंड क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए, नदी वापस समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन बी, बाढ़ बनकर नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन सी, नदी एक स्थान पर टिकती नहीं है। ऑप्शन डी, नदी का जल बहुत खारा होता है। तो नदी अस्थिर मित्र क्यों है, यानी मित्र की बात की गई है, क्योंकि वो जब बाढ़ बनकर क्या करती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है, तो वो क्या है, अस्थिर मित्र है, हमेशा मित्र नहीं बनी रहती, फिर बाढ़ बनकर वो लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है, गांव के गांव बहाकर ले जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नदी क्या नहीं है? तो नदी क्या नहीं है, ऑप्शन ए अस्थिर मित्र, ऑप्शन बी पुनर्जीवित करने वाली, ऑप्शन सी निरंतर रचना, ऑप्शन डी संस्कृति का उद्गम स्थल। तो जो नदी नहीं है वो है आपका पुनर्जीवित करने वाली। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए वह मीठा पानी देती है, ऑप्शन बी सदा बहती रहती है, ऑप्शन सी केवल वही खेती का आधार है, ऑप्शन डी जल ही जीवन है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी जल ही जीवन है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता कि वह ऑप्शन ए खेतों की सिंचाई में मदद करती है, ऑप्शन बी हमारी आत्मा को तृप्त करती है, ऑप्शन सी संस्कृति को जन्म देती है, ऑप्शन डी निरंतर बनी रहती है। तो क्यों नहीं देता, यानी खेतों की सिंचाई में मदद करती है। जो मानव है वो नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता कि वह क्या करती है, खेतों की सिंचाई में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन अब आपका है, पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है? ऑप्शन ए नदी से समुद्र, ऑप्शन बी समुद्र से समुद्र, ऑप्शन सी समुद्र से नदी, ऑप्शन डी नदी से नदी। तो पानी समुद्र से चलकर समुद्र में ही आके गिरती है, जो नदियाँ बनती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए निरंतर, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी प्रकोप, ऑप्शन डी तृप्त। तो किस में हुआ है, जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया वो भारतीय में किया गया है, तो भारतीय आपका राइट आंसर होगा। तो भारतीय में ही क्या किया गया आपका, ई ए प्रत्यय यूज हुआ है। कौन सा प्रत्यय, ई ए प्रत्यय इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए सखा, ऑप्शन बी बंधु, ऑप्शन सी अरी, ऑप्शन डी संगी। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका, अरी। क्वेश्चन 9 का, यानी मित्र का जो पर्यायवाची सखा भी होता है, बंधु भी होता है, और संगी भी आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, चलिए निर्देश अब आपको दिया गया है, 10 से 15 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। पहले आपको पैसेज दिया गया है, जो काव्यांश दिया गया है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। चलिए अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वह क्या नहीं करता? ऑप्शन ए बगीचा लगाना, ऑप्शन बी खेती करना, ऑप्शन सी पेड़ पौधे लगाना, ऑप्शन डी नहर बनाना। तो क्या नहीं करता, नहर नहीं बनाता। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
कविता में लेखक का डैश प्रेम झलकता है। तो जो कविता है, जो पोयम आपने पढ़ी, इसमें जो लेखक है, जो राइटर है, उसका जो प्रेम है वो कैसे झलकता है? ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी फैमिली यानी परिवार। तो कैसे? यानी प्रकृति। तो कविता में जो लेखक का जो प्रेम झल रहा है यानी प्रकृति, नेचर से यानी ने प्रकृति, उसका जो प्रेम है वो झलक रहा है, नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रति धरती से आशय ऐसी जमीन, ऑप्शन ए जो बंजर और उबड़ खाबड़ हो, ऑप्शन बी जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया ना जाता हो, ऑप्शन सी जिसमें 100 से अधिक पड़ते हो, ऑप्शन डी जिसके नीचे पानी ही पानी हो। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया ना जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फसलों से दहक रही हो वाक्य में रेखांकित शब्द दहक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए फसल बोने के अर्थ में, ऑप्शन बी फसल के पकने के अर्थ में, ऑप्शन सी फसल के कच्चा होने के अर्थ में, ऑप्शन डी फसल पर पाला पड़ने के अर्थ में। जो पाला पड़ता है फसल पर, जो फसल होती है, जो क्रॉप्स होती है, उस पर क्या पड़ता है? पाला पड़ने से। तो राइट आंसर क्या है? फसल के पकनों के अर्थ में। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। समूह से भिन्न शब्द क्या है? ऑप्शन ए छोटी सी खेती, ऑप्शन बी छोटी सी क्यारी, ऑप्शन सी छोटा सा उपवन, ऑप्शन डी फूल फल लदे। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी फूल फल लदे। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। समान लयात्मक शब्द नहीं है, ऑप्शन ए महक, ऑप्शन बी दहक, ऑप्शन सी लहक, ऑप्शन डी लहर। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी लहर। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी लहर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। ऑप्शन ए व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ, ऑप्शन बी कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से, ऑप्शन सी वैविध्यपूर्ण तकनीक का प्रयोग करते हुए, ऑप्शन डी पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए राइट है, व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 6 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, ये शब्द है? ऑप्शन ए सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द, ऑप्शन बी विषय वस्तु के शब्द, ऑप्शन सी कठिन शब्द, ऑप्शन डी निष्क्रिय शब्द। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक से अधिक भाषा का ज्ञान, ऑप्शन ए भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है, ऑप्शन बी नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है, ऑप्शन सी नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, ऑप्शन डी नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी राइट है, नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थी से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है, साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है, वह डैश का अभ्यास कर रही है, किसकी एक्सरसाइज कर रही है? ऑप्शन ए विस्तृत पठन की, ऑप्शन बी गहन पठन, ऑप्शन सी पहली पठन, ऑप्शन डी सहयोगी पठन। तो किसका करिए? गहन पठन का। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यावहारिक स्थितियों का जो उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली जो पद्धति है, जो सिस्टम है, वो डैश कहलाती है। ऑप्शन ए संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, ऑप्शन सी श्रव्य भाषिक पद्धति, ऑप्शन डी द्विभाषी पद्धति। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन बी स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पठन पूर्व कार्य डैश होते हैं। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, ऑप्शन बी कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, ऑप्शन डी पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं, स्टेजेस होती है। ऑप्शन ए कूकना, बबलाना, समरबोधी अवस्था, तारशैली वाक दो शब्दीय अवस्था। ऑप्शन बी कूकना, बबलाना, दो शब्दीय अवस्था, तारशैली वाक समग्रबोधी अवस्था। ऑप्शन सी कूकना, समग्रबोधी अवस्था, बबलाना, दो शब्दीय अवस्था, तारशैली वाक। ऑप्शन डी कूकना, बबलाना, समग्रबोधी अवस्था, दो शब्दीय अवस्था, तारशैली वाक। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी कूकना, बबलाना, समग्रबोधी अवस्था, दो शब्दीय अवस्था, तारशैली वाक। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। ऑप्शन ए अधोगामी उपागम, ऑप्शन बी ऊर्ध्वगामी उपागम, ऑप्शन सी एकीकृत उपागम, ऑप्शन डी निगमनात्मक उपागम। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन ए अधोगामी उपागम। कैसा, अधोगामी जो उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी निपुणता परीक्षण, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन डी अभिक्षमता परीक्षण। तो कैसा परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। ऑप्शन ए उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, ऑप्शन बी बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, ऑप्शन सी माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें, ऑप्शन डी उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था, यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है। ऑप्शन ए एक सही आयु में बच्चे के भाषा पासा परिवेश का अभाव, ऑप्शन बी बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, ऑप्शन सी सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, ऑप्शन डी उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27,
अर्थ क्रियात्मकता प्रैग्मैटिक्स डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए भाषा के सामाजिक नियम, ऑप्शन बी विद्यालय भाषा की नीति, ऑप्शन सी विद्यालय के अनुदेशन की भाषा, ऑप्शन डी शैक्षणिक भाषा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए भाषा के सामाजिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी शब्द भंडार, ऑप्शन सी काव्यात्मक उपकरण, ऑप्शन डी कविता की अंतरा वस्तु। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन ए व्याकरण ग्रामर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रभावपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष पद्धति, ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद पद्धति, ऑप्शन सी द्विभाषा पद्धति, ऑप्शन डी सर्वभाषक पद्धति। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद पद्धति। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा डिसग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शन ए यह सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी यह कागज पर अक्षर अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी यह खराब वर्तनी बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन सी यह सकल मोटर कौशल जो आपका था ग्रॉस मोटर स्किल, कैसी जो ग्रॉस मोटर स्किल, और जो तार्किक चिंतन जो आपका तार्किक यानी जो चिंतन है आपका उसको प्रभावित करता है, अफेक्ट आपका करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका जो पेपर है, पेपर है 12 जनवरी का, यानी 12 जनवरी 2023 का ये पेपर है। चलिए अब 12 जनवरी का हम पेपर करेंगे। चलिए अब इसमें दिया गया, अब आपको निर्देश, सबसे पहले आपको क्या दिया गया, निर्देश आपको दिया गया, पैसेज आपका स्टार्ट होगा जो गद्यांश आपका है। क्या है ये, गद्यांश है। चलिए इसमें गद्यांश में आपको जो दिया गया है, चलिए गद्यांश अब आपका स्टार्ट हो गया। इसमें दिया गया अब आपको निर्देश है 1 से 9 तक। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। जैसे अब आपका गद्यांश है, गांवों और शहरों में रहते हुए मनुष्य अपने ग्रह के मूल स्वरूप को प्राय भूल बैठा है। इसका सही अंदाजा तभी लगा सकता है जब वह किसी लंबी समुद्री यात्रा पर निकल जाए। चारों ओर पानी ही पानी, पानी का अनंत विस्तार, तब पहली बार उसके सामने यह तथ्य उजागर होता है कि उसकी दुनिया पानी की दुनिया है। वह एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर पानी का आधिपत्य है। समुद्र अपने पानी को साफ करके उसका खारापन दूर करके हमें भेजता है। अगर वह पानी भेजना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वह आज भी हमारा पालन पोषण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से एक ही बार अमृत निकला था। अमृत हर बार निकलता है और वर्षा के रूप में पूरी धरती पर बरसता है। सूर्य की गर्मी से तपकर समुद्र का पानी भाप बनता है, निराकर भाप ऊपर जाकर साकार बदल में ढल जाता है। इन बादलों को मानसून की हवाएं बहुत दूर की जगहों तक ले जाती है। जब ऊंचे पहाड़ों या घने जंगलों तक मानसून पहुंचता है तब तो वहां की ठंडक पाकर ठहर जाता है। पहाड़ और वन मानो कहते हैं कि अब
से तुम्हारी बाट जो रहे हैं वाणी बनकर तप्त धरा को तृप्त करो, नव जीवन का संचार करो। चलिए अब इससे क्वेश्चन अब आपके बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है गद्यांश को डैश, जो गद्यांश में डैश को अमृत कहा गया है तो किसको अमृत कहा गया? ऑप्शन ए साफ सुथरे जल को, ऑप्शन बी वर्षा के जल, ऑप्शन सी समुद्र के जल, ऑप्शन डी पहाड़ों के जल। तो किसको अमृत कहा गया है? वर्षा के जल को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा करते हैं? ऑप्शन ए ठंडी हवाओं की, ऑप्शन बी बादलों की, ऑप्शन सी सूरज की, ऑप्शन डी समुद्र की। तो किसके करते हैं वो? बादलों की। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी क्या होगा? आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को ऑप्शन ए जल की महत्ता समझनी चाहिए, ऑप्शन बी समुद्र की महत्ता समझनी चाहिए, ऑप्शन सी बादलों को बरसने से रोकना चाहिए, ऑप्शन डी वन और पहाड़ों पर घूमना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए जल की जो महत्ता है उसको समझना चाहिए, जल की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, अंततः डैश ही वर्षा के रूप में बरसता है? ऑप्शन ए मानसूनी जल, ऑप्शन बी समुद्र का जल, ऑप्शन सी पहाड़ों का जल, ऑप्शन डी भाप का जल। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का? ऑप्शन बी राइट है, समुद्र का जल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया गया अब आपका, धरती को डैश ठंडक देती है तो क्या ठंडक देगी? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी सूर्य किरणें, ऑप्शन सी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी वर्षा। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी वर्षा, जो रेन होती है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, धरती के अधिकांश भाग में डैश है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी मनुष्य। तो क्या है? पानी आपका है। तो धरती के अधिकांश भाग में क्या है? पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है ऐसा क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए मनुष्य पानी बहुत पीते हैं, ऑप्शन बी मनुष्य केवल पानी ही पीता है, ऑप्शन सी शरीर को चलाने के लिए पानी चाहिए, ऑप्शन डी पृथ्वी पर अधिकांश भाग जलमय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन सेवन का? यानी पृथ्वी पर जो अधिकांश भाग है वो कैसा है? जलमय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, चलिए क्वेश्चन नंबर एट अब आपका दिया गया है, समूह से भिन्न शब्द आपको चुनना है, जो समूह में यानी ऑप्शन में आपको जो डिफरेंट लगे वही वर्ड आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए समुद्र, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी समुद्री, ऑप्शन डी पर्वत। तो राइट आंसर क्या है इसमें? समुद्री। क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, निराकार का मूल भाव क्या होगा? ऑप्शन ए जिसका कोई आकार ना हो, ऑप्शन बी जिसका कोई रूप रंग ना हो, ऑप्शन सी जिसकी कोई परछाई ना हो, ऑप्शन डी जिसका कोई अस्तित्व ना हो। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए जिसका कोई आकार ना हो, शेप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, यानी निर्देश आपको दिया गया 10 से 15 तक, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इसमें क्या दिया गया? पंखों से रे फैले फैले तोड़े के दल, फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां है चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झड़ती कर मुख से जल बूंदे जलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल चल, झूम झूम सिर ना मिहलाती सुख से विहल, हीर
हर सिंगार झड़ते बेला कली बढ़ती पल पल। आगे दिया गया आपका हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। युग्म में दोनों शब्द क्या है, अलग अलग है। तो अब आपके इससे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, क्वेश्चन 10 है अब आपका। ताड़ के पत्तों के फैलाव की तुलना किसने की है, तो किससे की गई है, जो ताड़ के पत्तों का जो फैलाव होता है। ऑप्शन ए दलों से, ऑप्शन बी पंखों से, ऑप्शन सी उंगलियों से, ऑप्शन डी हाथों से। तो किससे किया गया है, पंखों से। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी पंखों से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। कविता में वारी से तात्पर्य है, ऑप्शन ए बारिश, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी खड़क, ऑप्शन डी जल। तो राइट आंसर क्या है इसमें, जो वारी का तात्पर्य किससे है, जल से। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अब आपका। कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है, ऑप्शन ए झरनों के टपकने से, ऑप्शन बी तालियां बजाने से, ऑप्शन सी पक्षियों के गाने से, ऑप्शन डी बारिश होने से। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी बारिश होने से। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सुख से विहल होने से तात्पर्य नहीं है, ऑप्शन ए उल्सित होना, ऑप्शन बी प्रफुल्लित होना, ऑप्शन सी विषाद युक्त होना, ऑप्शन डी विभोर होना। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी विषाद युक्त होना। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है खग कुल गाते मंगल से तात्पर्य है, ऑप्शन ए पक्षी मंगलाचरण कर रहे हैं, ऑप्शन बी पक्षी कुल का गीत गा रहे हैं, ऑप्शन सी हर पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं, ऑप्शन डी पक्षी कुल की मंगल कामना कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। समूह से भिन्न शब्द या युग्म आपको छाटना है, ऑप्शन ए तड़ तड़, ऑप्शन बी टप टप, ऑप्शन सी झूम झूम, ऑप्शन डी चल दल। तो इसमें डिफरेंट क्या है, चल और दल, क्योंकि इसमें दोनों वर्ड अलग अलग हैं और आपको डिफरेंट युग्म इसमें चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली हिंदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली हिंदी से भिन्न है, इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए वे हिंदी की बोलियां हैं, ऑप्शन बी वे विभिन्न भाषाएं हैं, ऑप्शन सी वे हिंदी की एक बोली से संबंध रखती है। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वे हिंदी की बोलियां हैं। कौन सी बोलियां, हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम जो अधिगम के संबंध में सही नहीं है, तो जो अधिगम से रिलेट नहीं करता वो कौन सी स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए भाषा मुख्यतः अपने उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के माध्यम से विकसित होती है, ऑप्शन बी अधिगम में बातचीत लिखना आकार देना और आगे बढ़ना शामिल है, ऑप्शन सी अधिगम भाषा की आकृतियों और नियमों को सीखने के द्वारा होता है, ऑप्शन डी भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है और इसके लिए पूर्व अपेक्षित भी है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी जो भाषा का जो प्रयोग है वो संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है और इसके लिए पूर्व अपेक्षित भी होता है। यो संज्ञानात्मक विकास होता है कॉग्निटिव विकास, कैसा विकास, जो विकास कॉग्निटिव हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में योगदान देता हो, सहयोग देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
निम्नलिखित में से किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए संस्कृत, तमिल, डोगरी, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ऑप्शन बी हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। ऑप्शन सी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और उड़िया। ऑप्शन डी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो राइट आंसर क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 हमारा था, इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी राइट था, अधिगम की अधिगम भाषा की आकृति और नियमों को सीखने के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। ऑप्शन बी शिक्षार्थी अपने सभी विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और आगे आगे जाकर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं। ऑप्शन सी शिक्षार्थी मातृभाषा एक भाषा के रूप में सीखते हैं और विद्यालय में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी शिक्षार्थी कक्षा एक से ही अंग्रेजी सीखते हैं और विद्यालय के माध्यमिक स्तर से भारतीय भाषा माध्यम से अंग्रेजी माध्यम अपनाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए राइट होगा, जो शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक जो भाषाएँ हैं वो जोड़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार से एक संसाधन है, रिसोर्सेज है? ऑप्शन ए जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। ऑप्शन बी लचीली भाषा शिक्षा नीति को स्वीकृति। ऑप्शन सी कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन डी कक्षा में इसे शिक्षण की विधि के रूप में अपनाना। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग, यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है वह उस भाषा को बोलने व उसके प्रयोग के लिए कुछ समय लेती है, इस अवधि को कुछ रूप में जाना जाता है? यानी जो वो अवधि है, जो ड्यूरेशन आपकी है, वो कौन से रूप में जानी जाएगी? ऑप्शन ए अवलोकन विधि, ऑप्शन बी मौन विधि, ऑप्शन सी युति, यह आपका है चुनौतीपूर्ण। ये क्या है आपका? चुनौतीपूर्ण जो विधि है, कौन सी विधि? जो चुनौती से भरी हुई जो विधि होती है, ऑप्शन डी बबलाना अवधि। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी जो ड्यूरेशन यानी मौन अवधि वो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका ग्रह और भ्रह से अंत होने वाले शब्दों जैसे कि विसर्ग और विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है, शब्दों के इन जोड़ों को किस रूप में जाना जाता है? जो ये जोड़ है, जो ये जोड़ों को पूछा गया है कि वो कौन से रूप में जाने जाएंगे? ऑप्शन ए तुलनात्मक जोड़े, ऑप्शन बी विपरीतात्मक जोड़े, ऑप्शन सी तुलनीय जोड़े, ऑप्शन डी विषम जोड़े। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी जो जोड़े होंगे वो विषम होंगे, जैसे आपका सम और विषम आपका होता है, सम और विषम आपका होता है इवन और ओड, इवन और ओड। तो कैसे हो गए ये जो हो गए, ये आपका हो गया ओड, यानी जो विषम हो गए ये ओड आपके होते हैं, जैसे 1 3 5 इसी तरह आपका जो इवन, तो इसमें जो विषम आपके जोड़े हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, गौरव गिजू भाई बेदेका की छोटी छोटी कहानियाँ पसंद करता है और जब भी उसे समय मिलता है वह इन कहानियों को पढ़ता है, इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है? जो ये पठन है इसको क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए सरसरी तौर पर पढ़ना, ऑप्शन बी बारीकी से पढ़ना, ऑप्शन सी विस्तार से पढ़ना, ऑप्शन डी तीव्रता से
पढ़ना। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन सी, विस्तार से पढ़ना, यानी विस्तार कैसे, एक्सप्लेनेशन के साथ, क्या जो एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी उसको विस्तार से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःक्रियात्मक परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन ए चयनित विषयों पर समूह परियोजना कार्य, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को विनिमय के अवसर बातचीत प्रदान करना, ऑप्शन सी समूह कार्य जोड़ों में कार्य और समूची कक्षा में एक साथ कार्य, ऑप्शन डी अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुत लेख कार्य। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन डी अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुत लेख कार्य। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य जो आपका मोटिव, यानी जो मोटिव नहीं है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए पाठ्य सामग्री को पढ़ते हुए उसमें से निष्कर्ष ढूंढना, ऑप्शन बी पाठ्य सामग्री को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ना, ऑप्शन सी शब्दों और शब्द समूहों के अर्थ समझना, ऑप्शन डी अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे रिपीट करना दोहराना। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन डी अध्यापक के द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे रिपीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आस्था कक्षा 6 में एक वाक्य का उदाहरण देकर व्याकरणिक, क्या जो व्याकरणिक अवधारणा मिश्रित वाक्य की पहचान करवा रही है। वह अपने विद्यार्थियों को बहुत से वाक्य देकर अभ्यास करवा रही है और बाद में सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाने का काम देती है। इस युक्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्र व्याकरण, ऑप्शन बी अध्ययन संलग्नता विमर्श, ऑप्शन सी गहन अभ्यास द्वारा व्याकरण, ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, एक अध्यापक को एक पंपलेट मिला जो नगर पालिका द्वारा मानसून के दौरान रक्षात्मक उपाय अपनाने के बारे में था। उसने अपनी कक्षा में विभिन्न कार्यों द्वारा पठन और शब्दावली सिखाने के लिए इस पंपलेट का प्रयोग किया। इस पंपलेट के क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन ए प्रमाणिक सामग्री, ऑप्शन बी आविष्कृत सामग्री, ऑप्शन सी भाषा अधिगम के लिए कार्य, ऑप्शन डी डिकोडिंग निवेश। तो क्या कहा जाएगा, प्रमाणिक जो सामग्री है, जो प्रमाणिक है वो सामग्री या मटेरियल इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक अध्यापक ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों को कहा कि वे समूह बनाकर ऐसे विषय या थीम का चयन करें जिसके अंतर्गत अपने शहर और आसपास के स्थानों से जुड़े आंकड़े एकत्र हो, कलेक्ट हो, अपने मित्रों के साथ उन पर चर्चा करें, डिबेट करें और एक रिपोर्ट तैयार करें। इस कार्य को क्या कहा जाएगा, जो ये कार्य है, जो ये वर्क है, इसको क्या बोला जाएगा। ऑप्शन ए गृह कार्य है, होमवर्क, ऑप्शन बी प्रदत्त कार्य, ऑप्शन सी परियोजना कार्य जो प्रोजेक्ट आपका होता है, ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान के लिए कार्य है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा परियोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे। जो पोर्टफोलियो का आकलन है, असेसमेंट आपका है, क्या है असेसमेंट, ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम कार्यों का संघीकरण व रिकॉर्ड रखना और उनके समग्र आकलन के लिए इनका उपयोग, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम के लिए पूरे वर्ष भर के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी के रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड है उसका संघीकरण, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की क्षेत्रांत परीक्षाओं का उनके समग्र आकलन हेतु उपयोग, ऑप्शन डी पूरे वर्ष औपचारिक परीक्षाओं द्वारा आकलन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए राइट होगा, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम कार्यों का संघीकरण वह रिकॉर्ड रखना और उनके समग्र आकलन के लिए इनका उपयोग यूज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के संदर्भ में या कंटेक्स्ट में सही है? ऑप्शन ए सांकेतिक भाषा का व्याकरण होती है, ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा में व्याकरण नहीं होती है, ऑप्शन सी सांकेतिक भाषा हाव भाव का समूह है ग्रुप है, ऑप्शन डी पूरे विश्व में एक ही तरह की सांकेतिक भाषा होती है। राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सांकेतिक भाषा का व्याकरण होती है। जो सांकेतिक भाषा का क्या होती है? व्याकरण होती है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए आज जो हमने पेपर कवर किए हैं, हमने 10, 11 और 12 तीन पेपर हमने कवर किए हैं, तीन पेपर हमने जनवरी के 2023 के अपने इस मैराथन क्लास में किए हैं। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।